आज के इस वीडियो में हम गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि GMRC के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट में हम 40+ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैंड फाइल, यानी कि हैंड फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है, यानी कि बेंच वाइस को बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कास्ट आयरन, यानी जो बेंच वाइस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रशियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जॉब क्लैंपिंग, यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं, यानी चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है इस वाले भाग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फलक्रम, तो इसे क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को फलक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए, यानी कि आपको इस वाले जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनिवर्सल वेबल गेज, इसको क्या बोलते हैं, तो इस वाले जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है, तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल वेबल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फाइल की पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग किया जाता है। किसको काटने के लिए, तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन, इस फाइल का नाम बताएं, यानी कि आपको ये चित्र देखकर बताना है ये कौन सा फाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रिफ्ले फाइल है, ये कौन सा फाइल है, तो रिफ्लेयर फाइल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इस वाइस का नाम क्या है? आपको इस फिगर को देखकर बताना है ये कौन सा ये वाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिन वाइस। ये कौन सा वाइस है? तो ये पिन वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेडिस्टियल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेब छेनी यानी कि वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांते को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हथौड़े का वजन को कहा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीक यानी चीक से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टूटे बिना तान्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए, यानी कि बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, उसे टेंसिटी, यानी कि टेंसिटी बोलेंगे उसे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं, यानी कि इस माइक्रोमीटर में आपको बताना है इस वाले भाग का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनविल, यानी इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को एनविल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm, यही इसकी एक्यूरेसी है। किसकी? तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपको इस वाले भाग का नाम बताना था, यानी इस वाले कोण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिंदु कोण, यानी कि पॉइंट एंगल। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो पॉइंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर्स टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताएं, यानी कि प्रतिबंधित जो स्थान पर जिस रिंच का प्रयोग होता है उस टेप रिंच का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टी हैंडल टेप रिंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए ट्रिप डील आकार की गणना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि mm पर रेवोल्यूशन, यही इसकी क्या है, फीड की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं, यानी कि इस वर्नियर कैलिपर में आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेप्थ बार। इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे डेप्थ बार बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, ये इसकी क्या है, एक्यूरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है निशान दिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनी कैलिपर का। क्या होता है, जेनी कैलिपर का एक टांग जो होता है वो एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट होता है और दूसरा टांग क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि इस वाले भाग का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्नग। इसको क्या बोलेंगे, तो इसे स्नग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन सेट में आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटेक्टर हेड। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एज डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस समानांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, यानी कि इस फिगर को देखकर बताना है इस ये समानांतर जो ब्लॉक है यानी पैरेलल जो ब्लॉक है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, इसे बोलेंगे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। कुंजी मार्ग के
कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायमंड पॉइंट सीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 38। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल कट फाइल में, यानी सिंगल कट फाइल में जो दांते होते हैं वो एक दिशा में कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रास्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग असमान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।